जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में डीआईजी ने नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। पुलिस विभाग को मजबूत करने तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम आटा में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संबल चक्रेश मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। इस चौकी का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण रोड पर किया गया है। इस चौकी के निर्मित होने से क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होगा। ये चौकी का अनावरण हुआ है यहाँ पर। सर, अब जनपद में कुल कितने थाने हो जाएंगे और इनकी कब शुरुआत हो जाएगी? जी, ये चौकी आटा पट्टी थाना बनिया खेत के अंदर जी, और इसका आज शुभारंभ किया गया। जैसा आप देख रहे हैं, पुलिस की लैंड है और इसमें जनता के सहयोग का भी बहुत योगदान रहा है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ये अगर हम लोग पुलिस की भाषा में बताएं तो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है जी। और जो हमारा यहाँ पर कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान शीघ्र भविष्य में आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी रोड है। जो मेरी जानकारी, यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर भी आने का जो है प्रारंभ होने का है, तो शीघ्र ही यहाँ पर ये प्लेस जो है और इम्पोर्टेंट होती जा रही है। क्राइम के लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है और इसके ऊपर पुलिस के प्रेजेंस से आने से निश्चित रूप से जो आम जनता है उसके अंदर भी आत्मविश्वास और और जहाँ तक आपने नए थानों की बात पूछी है, तो तीनों नए थाने जो हैं जिलों के, उसके प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है जी। और वहाँ पर निर्माण कार्य ऑलमोस्ट अपने एंड के ऊपर है। शीघ्र ही जो उसकी ऑल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मैन पावर वहाँ पर जो डिप्लॉय करना है उसको पूरा करके हम उनको भी अतिशीघ्र किया है। सर, एक जनता की एक आम शिकायत यह है कि जब सीयूजी नंबर फ़ोन किया जाता है थानिया चौकी में तो नंबर अक्सर नहीं उठते हैं। सर, इसके लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ किया जाए? हम लोग के द्वारा नियमित रूप से इसके बारे में निर्देश दिए गए और यदि किसी का फ़ोन किसी कारण से मिस हो जाए तो उसको ये बताया गया, उनको कॉल बैक कर लें और जनता को कोई भी आकस्मिकता की स्थिति है तो हम लोग के द्वारा ये भी प्रचार प्रसार किया जाता है कि आकस्मिकता की स्थिति में यदि कोई फ़ोन नहीं होता तो 113 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी वो कॉल कर सकते हैं।